बच्चों, उत्पादन के सभी साधन अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें से किसी एक के अभाव में भी उत्पादन कार्य संभव नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए, उत्पादन के लिए भूमि उपलब्ध है, श्रमिक कार्य करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यदि पूंजी नहीं है तो क्या उत्पादन कार्य संभव हो सकता है? नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्पादन के लिए हमको कच्चा माल और कुछ मशीनों की भी आवश्यकता तो होती है। अब कच्चा माल और मशीन खरीदने के लिए हमें पूंजी यानी कि धन की आवश्यकता होगी। तो ये पूंजी है क्या और आती कहाँ से है? पूंजी किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी बचत से इकट्ठा किया हुआ धन होता है, जिसे हम बैंकों में सुरक्षित रखते हैं और जरूरत पड़ने पर ब्याज सहित प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी बचत की राशि को ही पूंजी के रूप में उपयोग करें, बल्कि हम बैंकों से ऋण लेकर भी उसका उपयोग पूंजी के रूप में कर सकते हैं। बच्चों, रायपुर में बड़े उद्योगों के साथ साथ ही कई छोटे उद्योगों की भी स्थापना हुई है, जैसे प्लास्टिक के सामान बनाने के उद्योग, सीमेंट से गमला बनाने का उद्योग, दोना पत्तल उद्योग और महिलाओं द्वारा बड़ी अचार पापड़ जैसे घरेलू उपयोग की चीज़ों को बनाने का उद्योग, स्टील के ग्रिल बनाने का उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, ऐसे ही कई उद्योगों की स्थापना हुई है। इन उद्योगों की स्थापना इसलिए संभव हो पाई है क्योंकि इनमें लगने वाली पूंजी इनको आसानी से उपलब्ध हो सकी है। इन उद्योगों के लिए पूंजी बैंकों से ऋण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। सरकार भी इन उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ योजनाएं चला रही हैं। PMEGP प्रधानमंत्री रोजगार उत्पादन योजना और DIC जिला उद्योग केंद्र, ऐसी ही कुछ योजनाएं हैं जिनके द्वारा इन उद्योगों को आसानी से ऋण प्राप्त हो जाता है। बच्चों, अब आप ये तो जान ही गए हैं कि उत्पादन में भूमि, श्रम और पूंजी का क्या महत्व है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भूमि, श्रम और पूंजी आती कैसे है? इनकी व्यवस्था कौन करता है? उद्यमी यानी कि साहसी ऐसा व्यक्ति होता है जो उत्पादन के इन साधनों की व्यवस्था करता है। वह भूमिपति से भूमि लेता है, बैंकों से ऋण या अपनी बचत के माध्यम से पूंजी एकत्रित करता है और श्रमिकों की मजदूरी भी उद्यमी ही निश्चित करता है। उत्पादन से जो भी आय होती है उसका हिस्सा उत्पादन के इन साधनों में बांट दिया जाता है। जैसे भूमिपति को उसका हिस्सा लगान के रूप में, पूंजीपति को उसका हिस्सा ब्याज के रूप में और श्रमिक को उसका हिस्सा मजदूरी के रूप में दे दिया जाता है। और उसके बाद जो आय होती है या जो बच जाती है वह हिस्सा साहसी यानी कि उद्यमी का होता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उत्पादन के इन साधनों को उनका हिस्सा देने के बाद उद्यमी के पास कुछ भी ना बचे, यानी कि उसको हानि भी हो सकती है। तो क्योंकि उद्यमी एक ऐसा उत्पादन का साधन है जिसका हिस्सा उत्पादन में हमेशा अनिश्चित होता है, यानी कि उसको लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है, इसलिए उद्यमी ही साहसी कहलाता है।